बिल्कुल ये जमीन के ऊपर आप देख रहे हैं, सिर्फ एक कल्चर डाल देते हैं, एक टन में एक लीटर चाहिए। ये बैटरी कल्चर है, जो खाने की चीज है उसमें सीरा है। फोटो ये अच्छा बना रहा है सर, हम लोग कर रहे हैं और टाई करवाया सर 2026 ईस्वी में, जैसे हम लोग 1685 कुल बजरे और शिलान्यास करें आप लोग, जोरदार तालियां बजाकर हमारे परम लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जनपद को मिली है अभिनंदन करें। और हमारी डीएम साहिबा लगातार इसके लिए प्रयास करती रही हैं और ये लोकार्पण का कार्यक्रम आपके सम्मुख हो रहा है, जिनमें 3448 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास किए शिलान्यादव जी और 253 महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता जी, नगर विधायक मनीष असीजा जी, एसपी सिंह बघेल साहब, पूर्व मंत्री जयवीर सिंह जी, सभी से मेरा अनुरोध कि वे हृदय से माननीय आप सबको ये लाभार्थी योजनाओं का लाभ आप सबको मिल सके, इसके लिए मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जनपद फिरोजाबाद की जब बात आती है तो दो बातें हम सबके सामने स्पष्ट दिखती हैं। एक, यहां के वे उद्यमी जिन्होंने अपने कौशल से जनपद फिरोजाबाद को दुनिया के सामने अपनी बेहतरीन कार्यकुशलता के माध्यम से कांच उद्योग के रूप में दुनिया के सामने इसको प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर यहां का किसान जिन्होंने आलू उत्पादन के क्षेत्र में अपनी विशिष्टता के माध्यम से एक नई पहचान बनाई। फिरोजाबाद जनपद एक महत्वपूर्ण जनपद होने के नाते इन दोनों जनपदों, इस जनपद के इन दोनों क्षेत्रों में कार्य करने वाले उद्यमी हो या किसान, इन सब के हितों को सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ संरक्षण प्रदान कर सके, इसके लिए मुझे इस वर्ष प्रदेश के अंदर आलू उत्पादक किसानों के दो सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, तो साथ साथ प्रदेश में ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने आलू विकास बोर्ड का गठन करने के साथ साथ उन किसानों को पूरी तरह संरक्षण देने के लिए भी एक नई कार्य योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। एक बड़ी कार्य योजना के साथ हमारी सरकार आप सबके बीच में है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि गांव का बच्चा बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ता है और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को, जिन्होंने यहां के बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों को एक नया स्वरूप देने का कार्य किया है।
और मैं आह्वान करूंगा कि 2 अप्रैल से पूरे प्रदेश के अंदर स्कूल चलो अभियान को हम लोग अपने हाथों में ले रहे हैं और स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत प्रदेश के अंदर एक भी बालक और बालिका ऐसी नहीं होनी चाहिए जो स्कूल न जाती हो, यानी सभी बालक और बालिकाएं स्कूल जाएं, इसको फोकस करते हुए हम लोगों को स्कूल चलो अभियान को अपने हाथों में लेना होगा। हम नए पाठ्यक्रम के साथ, एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के साथ नए सत्र में 2 अप्रैल से प्रत्येक स्कूल को हम स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ने का मैं आप सबका आह्वान करूंगा। और आज बेसिक शिक्षा के विद्यालय फिरोजाबाद जनपद में अपने एक नए स्वरूप और नए कलेवर के साथ देखने को मिल रहे हैं, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। 30,000 रुपए की का स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। रामलगन शर्मा जी को शादी अनुदान के रूप में 20,000 रुपए का स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। विभाग की ओर से दिव्यांगजन पेंशन के अंतर्गत शंकर लाल सनौर श्री करण पाल को स्वीकृति पत्र पेंशन का और श्रीमती लाड़ो देवी पत्नी चंद्र प्रकाश को